नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कि आपको बताने वाला हूं ब्लॉगिंग के बारे में, तो आज का हमारा वीडियो का जो टाइटल है वो है कि ब्लॉगिंग क्या है और ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं और क्या हम ब्लॉगिंग के जरिए 1,00,000 रुपया महीने का कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों इसी के विषय में पूरी डिटेल आप लोगों को देने वाला, क्योंकि इस तरह के कुछ सवाल जो हैं मेरे पास आए हैं, तो उन सभी के आंसर जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि इस तरह के जितने भी आपके सवाल हैं आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं और तुरंत आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो वहां पे जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। अभी बढ़ते हैं यहां पे हमारे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉगिंग है क्या। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बताना चाहता हूं कि ब्लॉगिंग और वेबसाइट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पे डिफरेंस की बात करी जाए तो वेबसाइट वो एक है, तो दोनों ही चीजें एक ही जगह पे होस्ट होती हैं, बस थोड़ा सा स्लाइडली डिफरेंस है। वेबसाइट के अंदर आपका स्टैटिक कॉन्टेंट रहता है जिसमें जो है रेगुलर अपडेट्स नहीं होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेब पोर्टल। वेब पोर्टल जो है वो बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उनका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम सिर्फ वेबसाइट के बारे में और ब्लॉग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे वेबसाइट के अंदर जो है आपका कंटेंट रेगुलर बेसिस यानी कि डेली बेसिस के ऊपर में अपडेट नहीं होता है। और वहीं पे ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग के अंदर जो है ब्लॉग भी एक वेबसाइट की तरह ही होता है, लेकिन यहां पर जो है आपका कंटेंट जो है वेब ब्लॉग के अंदर वो रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर अपडेट होता रहता है। और कई बार कुछ ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं जो अपने ब्लॉग के ऊपर डेली मल्टीपल टाइम जो है डेटा अपडेट करते हैं, तो रेगुलर कंटेंट अपडेट होता रहता है, तो उसको कहा जाता है ब्लॉग। और वेबसाइट जिसके ऊपर रेगुलर कंटेंट जो है अपडेट नहीं किया जाता। So, अभी यहां पे बात करते हैं कि ब्लॉग जो है वो कौन लोग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कौन लोग करते हैं या कौन लोग कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग जो है हर वो इंसान करता है जो अपने पैशन को दुनिया के सामने रखना चाहता है। पैशन कुछ भी हो सकता है, किसी का टेक्नोलॉजी के लिए पैशन है, किसी का राइडिंग के लिए, जो मोटरसाइकिल वगैरह राइड करते हैं उनके लिए है, तो किसी के लिए जो है फैशन जो है उनका एक हॉबी है, किसी का रीडिंग जो है एजुकेशन देना जो है वो पैशन है। तो आपका कुछ भी पैशन हो सकता है। तो आपका जो भी पैशन है, आपके पास जो भी उस चीज को लिए नॉलेज है, वो नॉलेज जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के साथ में शेयर करते हो एक ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो अब आप ऐसा अगर करते हो तो आप भी बन जाते हो यहां पे ब्लॉगर। तो ब्लॉगिंग करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जिस भी इस फील्ड के अंदर, जिस भी चीज के अंदर आपका नॉलेज है और आपकी वो हॉबी है, और आप हॉबी को ही जो है यहां पे अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी जो है यहां पे ब्लॉगर कहलाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहां पे आंसर है कि बहुत पहले, अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो इंडिया के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं था। और उसके बाद जो है, अभी अगर मैं 2012 से पहले की बात करूं तब पॉसिबल इतना नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग सोर्स जो है बहुत ही लिमिटेड थे। लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन सोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है और बहुत तरीकों से अवेलेबल है। तो आप अगर अपने पैशन को जो है प्रोफेशन बनाना चाहते हो ब्लॉगिंग के जरिए, तो आप बना सकते हो और इसमें आप अनलिमिटेड पैसा जो है वो अर्न कर सकते हो। तो यहां पे सबसे बड़ा जो इनकम सोर्स की अगर बात करें तो यहां पे आपका एडसेंस, जो कि एक गूगल का नेटवर्क एड पब्लिशिंग नेटवर्क है, तो उसके जरिए जो है आपके ब्लॉग के ऊपर जो है एड लगाई जाएंगी। अब यहां पे जो है जितनी एड आपके पास डिस्प्ले होंगी उसी के हिसाब से जो है आपको पैसा दिया जाता है। अब इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं कि गूगल जो है आपकी ब्लॉग के ऊपर एड पब्लिश क्यों करेगा।
और उससे गूगल को क्या बेनिफिट होता है और वो हमें पे क्यों करेगा। अब एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हम लोग टीवी के लिए कोई भी चैनल देखते हैं, तो चाहे हम मूवी देख रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो है मूवी चल रही है उसके बीच में जो एडवर्टाइज आती है, या सीरियल देख रहे हैं उसके बीच में जो एडवर्टाइज आ रही है, तो उस एडवर्टाइज से जो है जितने भी उस सीरियल के या फिर उस मूवी के जितने कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी को जो है, जो एक्टर्स हैं, तो उनको जो है उससे पे किया जाता है। तो उनका जो अर्निंग सोर्स है वो उस एड से, वो जिस भी कंपनी की एड है उस कंपनी की एड को उस सीरियल के बीच में चलाने के लिए उस कंपनी को, उस सीरियल के ओनर को जिसने वो पूरा सीरियल प्रोड्यूस करा है, उस कंपनी को वो पे करते हैं। और वो कंपनी फिर अपने जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको, या जितने भी बिहाइंड द सीन जितना स्टाफ होता है, उन सभी को पे करती है। इसी तरह से जो ब्लॉग है वो हम, उसके पब्लिशर हम हैं एज अ ब्लॉगर, क्योंकि वो उसके अंदर जो कंटेंट है वो हम लिख रहे हैं, जितना उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है तो वो हमारी वजह से आ रहा है, राइट। तो ऐसे में जो है 90% जो गूगल का जो सेल होती है, जो अर्निंग होती है, वो होती है यहां पे एडवर्टाइज से। जितनी भी वो एडवर्टाइज चलाते हैं, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो या उनके खुद के प्लेटफॉर्म आई वुड से उनके ऊपर हो, या फिर जो है थर्ड पार्टी जो है वो हम लोग हैं जिनकी खुद की वेबसाइट्स हैं या हमारे खुद के ब्लॉग्स हैं, तो वो जो है हमारे को एड सर्विस करते हैं। जैसे कि टीवी सीरियल में हमने देखा कि बीच में जो एड आती है उसका बेनिफिट प्रोड्यूसर को जाता है, तो इसी तरह से क्योंकि ये वेबसाइट जो है, ये ब्लॉग जो है वो हमारा है, तो इसमें जितने भी गूगल की एड आती हैं तो वो एड कौन लोग देख रहे हैं, वो जो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। और वो हमारी वेबसाइट पे क्यों आ रहे हैं, गूगल नहीं लेके आ रहा, वो कंटेंट जो हमने लिखा है, जो हमने वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है हमारे ब्लॉग के ऊपर, उसको रीड करने के लिए उस कंटेंट की वजह से जो है जितने लोग उस कंटेंट को पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको जो एडवर्टाइज दिखाई देती है, तो उस एडवर्टाइज का जो पैसा है वो हमें एक यहां पे कुछ उसका शेयर जो है वो दिया जाता है, करीब 65 जो है वो 65% उस एड का जो वैल्यू है। से फॉर एग्जांपल कि अगर 10 रुपए की एक कोई एड है एक बार डिस्प्ले होने की, तो अगर वो 10 रुपए है तो उस 10 रुपए का 65% जो है वो हमें मिलेगा एज अ ब्लॉगर, क्योंकि वो एड जो है हमारी वेबसाइट, हमारे ब्लॉग के ऊपर दिखाई गई है। अब बाकी का जो 35% है वो गूगल रखता है, क्योंकि गूगल ने जो है वो खुद के पूरे नेटवर्क के साथ में जो है वो एड सर्विस करी है, तो उस एड को हम तक पहुंचाने का जो काम है वो उसका जो है 35% रखता है। तो ऐसे में अगर हम ब्लॉग कंटिन्यू लिखते चले जाते हैं और हमारा जो ट्रैफिक है वो मिलियंस में पहुंच जाता है, तो ऐसे में हमारे पास जो एड की बात करें तो एड में जो है अगर 1,00,000 व्यू हो जाते हैं हमारे, अगर 1,00,000 व्यू हमारे जो है हो जाते हैं, तो करीब अप्रोक्सीमेटली 100 से $150 के बीच में जो है हमारा यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट होता है। तो इसी तरह से जैसे आप सोच सकते हो कि अगर 1,00,000 व्यू होने के ऊपर हम जो है $100 से $150 के बीच में जो है कमाई कर सकते हैं, तो जब हमारा मिलियंस में ट्रैफिक पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो इनकम है वो लाखों में पहुंच जाएगी। अगर आपके पास जो भी कैलकुलेशन है, आज के आपके रेट चेक कर सकते हैं, आज कुछ 70-71 रुपए है $1 के, तो आप उसी को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना रिवेन्यू जो है आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। यहां पे बात हो रही है सिर्फ 1,00,000 की नहीं, अगर आप उससे भी ज्यादा यहां पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन, तो आपका जो रिवेन्यू है वो भी यहां पे मल्टीपल होते चला जाता है। बट यहां पे फर्क सिर्फ इतना है कि आपको इतना रिवेन्यू अर्न करने के लिए आपकी जो हॉबी है उस पर रेगुलर काम करना पड़ेगा, कंटेंट को रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा और कंटेंट क्वालिटी का होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप इतना रेवेन्यू
यहां पे कमा सकते हैं। अब ये तो हो गया एक सोर्स, ऐसे बहुत सारे और सोर्स हैं जिनके जरिए जो है आप एक बार ट्रैफिक लेके आ जाते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, जिनके जरिए जो है आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। वो सोर्स क्या है आने वाले वीडियोस के अंदर हम डेफिनेटली उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसका उन सोर्स का भी आप इस्तेमाल करके अर्निंग जो है आप यहां पे 5 गुना बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों आई एम श्योर कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको पूरी कंप्लीट ब्लॉगिंग की गाइड चाहिए कि किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो आप मेरी वेबसाइट jeethosting.com के ऊपर जाकर जो है देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारे ब्लॉगिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल जो है स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें दिखा रहा हूं वीडियो के माध्यम से, आपको कंटेंट के माध्यम से और आपको इमेजेस के माध्यम से, ताकि आप जो है उससे आसानी से समझ सकें और अपना करियर के अंदर, अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो आप उसको बना सकें। आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।